समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव जी जूते से पीटे जाएंगे और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य जी को जूता मारने वाले को साधुवाद कहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर विवादित टिप्पणी करने वाले अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर सपा नेताओं में राजूदास के खिलाफ खासा आक्रोश है। के पैमाने पर और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा केवल देश को नहीं सारी दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, और वहाँ पर इस तरह की तथाकथित साधु बनने वाले लोग, महंत बनने वाले लोग इस तरह से अगर टिप्पणी करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का अपमान है और यहाँ के रहने वालों का अपमान है और संत समाज का अपमान है और गंगा जमुनी की जो हमारी संस्कृति है उसके खिलाफ ये टिप्पणी है। तो और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा सद्भाव, आपसदारी, प्यार और मोहब्बत और रचनात्मक व्यू रखने वाले हम लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आज उस बात को लेकर के हमारे सभी साथियों ने जो है मिल करके एक ज्ञापन दिया है और FIR दी है, तो उस FIR के तहत सुसंगत धाराओं में अब वो FIR दर्ज की जाए और यही मांग पत्र के साथ हम लोग सब आए हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की हरकत से रोक लगाई जाए। अयोध्या में सपा नेताओं ने मंगलवार समाजवादी पार्टी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने SSP कार्यालय पहुंचकर राजूदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी की तरफ से SSP को दी गई तहरीर में बताया गया है कि सोमवार को सोशल मीडिया के पेज पर राजूदास ने खुद की एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वालों को साधुवाद करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विषय में अभद्र टिप्पणी की। इससे सपा कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं, लिहाजा सपा नेताओं ने मांग की है कि महंत राजूदास को तत्काल गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ अयोध्या के हनुमानगढ़ी के राजूदास जी ने अमर्यादित और गलत टिप्पणी की थी, जिन बातों को लेकर के आज हम लोगों ने अयोध्या पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। राजूदास लगातार अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, समाज में कैसे विद्वेष पैदा हो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, समाज के माहौल और अयोध्या के माहौल को खराब करने का काम करते हैं। हम लोगों ने प्रशासन से मांग की कि इनके इस तरह के व्यवहार और कार्य पर रोक लगाई जाए और जिस तरह से वो सिफिलिस बीमारी से ग्रसित हैं, जो संक्रमण फैलाता है, हमारी प्रशासन से मांग है कि इनके अयोध्या जाने पर रोक लगाई जाए। लाखों श्रद्धालु आते हैं, अगर ये संक्रमण और लोगों में फैल जाएगा तो जिससे अयोध्या की बदनामी होगी, इसलिए इन पर रोक लगाई जाए और इनका कहीं समुचित इलाज कराया जाए और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। जिला अध्यक्ष और जिला जो कार्यकारिणी है उसके सभी सदस्य और माननीय विधायक गण द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इसका अध्ययन करके अवलोकन करके आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को प्रेषित किया जाएगा। अभी उसको अध्ययन कर रहे हैं और जिन बिंदुओं पर उसमें अपेक्षित होगी कार्यवाही उस पर संबंधित थाना अध्यक्ष को और सीओ साहब को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंके जाने के बाद प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने 21 अगस्त को सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और न्यूज चैनल्स पर अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है।